विदर्भ न्यूज का विशेष समाचार। भरी बरसात में खिड़की गांव में गहराया जल संकट। जेसीबी मशीन की खुदाई में जलापूर्ति की पाइपलाइन टूट फूट। मेलघाट के धारणी तहसील के खिड़की गांव में दो दिन पूर्व जेसीबी मशीन खुदाई से गांव के जलापूर्ति की पाइपलाइन टूट फूट जाने से ग्राम में जल संकट की गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीणों को गांव से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर हैंडपंप से पानी भरते नजर आते हैं। वहीं कुछ ग्रामीण दूषित जलापूर्ति पीने को मजबूर देखे गए, जिसमें खिड़की ग्राम में दूषित जलापूर्ति पीने के चलते नागरिकों के जनस्वास्थ्य को खतरा निर्माण होने की संभावना दर्शाते हुए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से शीघ्र ही ध्यान देने की मांग की है। मोगरदा ग्राम में समावेश वार्ड खिड़की ग्राम में जेसीबी मशीन खुदाई से गांव की जलापूर्ति पाइपलाइन फूट जाने के कारण ग्राम में बारिश के दिनों में जल की किल्लत समस्या निर्माण हो गई है। गांव ऊंची टेकड़ी पर बसा होने तथा गांव से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में नीचे उतार की दिशा में हैंडपंप रहने से ग्रामीणों को टेकड़ी से होकर नीचे उतार कर पानी लेकर पानी भरने को मजबूर देखा गया। जेसीबी मशीन खुदाई के कारण खिड़की गांव की जलापूर्ति योजना ठप्प पड़ने से जल संकट की बड़ी गंभीर समस्या ग्रामीणों के सामने आन पड़ी है, जिस पर पंचायत समिति प्रशासन एवं गट विकास अधिकारी से विशेष ध्यान देने की मांग खिड़की ग्रामवासियों ने की है। बता दें कि इसके पूर्व मेलघाट में दूषित जलापूर्ति के कारण कई किस्से आज तक देखने को मिले हैं। अब पंचायत समिति प्रशासन गट विकास अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं, इसके ऊपर समस्त खिड़की वासियों की नजर टिकी हुई है। अब ये पाइप नहीं ये करता था, हमको पानी मिलता था। जो इधर बोर खुदा है उसका भी पाइप फोड़ दिया, और उनने बोला कि 5 दिन में तैयार करके देता, तो आज भी आता बोले तो आज आए नहीं। तो अभी पानी आ रहा क्या? नहीं, कहाँ से आएंगे पानी? पानी आके वो नदी से लाना पड़ रहा है। अभी गांव में पानी मिल रहा? नहीं नहीं मिल रहा, जल संकट बढ़ गया। हाँ, जल संकट बढ़ गया। वो कैसे नदी से लाना पड़ रहा है? अभी कोई नाला खोला के पानी पी रहा, वो भी बीमार होने लगा। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी।